गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो क्लास टेन वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो क्लास टेन के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग इस साल बोर्ड देने जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं अपने चैनल की तरफ से जो आप लोगों का हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, उस हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस का हर टॉपिक वाइज, हर टॉपिक, हर चैप्टर का एक एक टॉपिक करके मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मैं समझा भी दे रहा हूँ उस टॉपिक को, और उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, और वो क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, और उस क्वेश्चन के आंसर भी मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ हर वीडियो में। तो इसके पहले बहुत सारे वीडियो चैप्टर टू का मैंने अपलोड कर दिया है, चैप्टर टू के ओवरव्यू का एक वीडियो है, उसके बाद चैप्टर टू के और भी जो भी टॉपिक है उन टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड है। आज उसी सीरीज में मैं आप लोगों को उसी चैप्टर का, चैप्टर टू का एक और टॉपिक है, जो कि डेविड हेयर, भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में डेविड हेयर की भूमिका, ये टॉपिक है, आपके बुक में है, सिलेबस में है, तो मैं आज उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो डेविड हेयर की पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में भूमिका जो है, उस पर डिस्कस करने के पहले पहले हम जानते हैं कि डेविड हेयर कौन थे, थोड़ा सा उनके बारे में मैं बता दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर पे आ रहा हूँ। डेविड हेयर जो थे, स्कॉटलैंड, आप लोगों ने देश का नाम सुना है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के एक व्यापारी थे, मतलब स्कॉटलैंड में उनका जन्म 1775 ईस्वी में हुआ था। मात्र 25 साल की उम्र में 1800 ईस्वी में वो इंडिया आए, केवल बिजनेस करने के पर्पज़ से। वो घड़ी बनाते थे और घड़ी बेचते थे, तो उनका मकसद यही था कि इंडिया आकर घड़ी बनाना और घड़ी बेचकर बहुत सारा धन कमाकर फिर अपने देश लौट जाना। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो यहाँ पर जब आए, तो आने के बाद उन्होंने धन तो बहुत कमाया, लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिल में भारतवासियों की जो स्थिति थी, जो पिछड़ापन था, उस पिछड़ेपन को देखकर उनके दिल में या दिमाग में ये बात आई कि मुझे इन लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए जो इतने पिछड़े हुए हैं, इन लोगों के लिए कुछ करके जाना चाहिए। तो उन्होंने फोकस किया कि अगर मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूं, तो वो हो सकता है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो यूरोपीय शिक्षा दीक्षा है, उस यूरोपीय शिक्षा दीक्षा को मैं यहाँ थोड़ा सा बढ़ाने में मदद करूँ, ताकि भारतवासियों की जो का जो पिछड़ापन है, वो इस शिक्षा दीक्षा के माध्यम से थोड़ा सा डेवलप करे, थोड़ा सा वो अपलिफ्ट हो। जो कि उस समय, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय हमारे भारत के भी बहुत सारे महापुरुषों ने वो काम किया, जैसे राजा राममोहन राय थे, आपका देरेजियो थे उसी दौरान के थे, राजा राधाकांत देव थे, सबके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, पहले का देख लीजिएगा, पहले के वीडियोस देख लेंगे तो मैं इस वीडियो को छोटा बनाऊंगा, तो आपको सुविधा होगी समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पहले का वीडियो देख लेने से, ठीक है। तो ये आपका डेविड हेयर घड़ी बेचते थे, और जब जो भी कस्टमर उनके दुकान में आता था, तो उनसे वो बड़े दिल से, एक अपनेपन की तरह, भारत की स्थिति या भारत में शिक्षा दीक्षा की जो स्थिति है, उसके ऊपर वो चर्चा करते थे। तो इसी सिलसिले में उस समय राजा राममोहन राय थे, आप लोगों को पता है कि राजा राममोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था, और डेविड हेयर का 1775 में, मतलब 3 साल छोटे बड़े थे, तो मान लीजिए एक तरह से हम उम्र थे। तो राजा राममोहन राय एक बार इनके दुकान में घड़ी खरीदने आए, तो उनसे इनका परिचय हुआ, तो वहाँ से राजा राममोहन रॉय के संपर्क में आकर ये और भी ज़्यादा प्रज्वलित हो गए, और भी ज़्यादा ये एक्टिव हो गए कि कुछ ये करें, विशेष करके बंगाल के लोगों के लिए, ठीक है। तो राजा राममोहन रॉय की आत्मीय सभा थी, एक संस्था थी, उसका एक मीटिंग था, उसमें ये अचानक पहुँच गए थे एक बार। फिर जाकर और भी जो उस समय के राजा राधाकांत देव, उनसे भी इनका इंट्रैक्शन था, तो बहुत सारे जो उस समय बंगाल के बुद्धिजीवी थे, उनके साथ इनका गहरा संबंध था। तो ये आपका एक्टिव हुए, शुरू किए अपना कामकाज, और क्या क्या इन्होंने किया वेस्टर्न एजुकेशन के प्रचार प्रसार में, कुछ कॉलेज की स्थापना करना, स्कूल बुक सोसाइटी, हिंदू कॉलेज जैसे है, हिंदू कॉलेज की स्थापना, जिसका अभी वर्तमान में नाम प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय है आपका, ये कॉलेज स्ट्रीट में, ठीक है। तो ये सब उन्होंने किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो स्थापित किए, तो ये सब तो उनका काम था। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर रहेगा, उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, कौन कौन से स्कूल कॉलेज वगैरह इन्होंने स्थापित किए, एजुकेशन से रिलेटेड, वेस्टर्न एजुकेशन से रिलेटेड इन्होंने क्या क्या किया, वो सारा आपको मिल जाएगा, तो वो तो पढ़ लेने से ही हो गया। अब ये आगे जाकर इन्होंने अपने दुकान को भी बेच दिया, इनकी इच्छा थी कि बस मैं बहुत कमा चुका, अब दुकान वगैरह बेचकर एक भारतवासियों के लिए कुछ काम करता रहूं। समय नहीं था इनके पास, एक्चुअली दुकान बेचने के पीछे भी एक कारण था कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे सोशल वर्क में कि इनके पास समय नहीं था, तो इन्होंने दुकान को बेच दिया, और उसी पैसे से ये अपनी जीविका भी चलाते, मतलब अपना जो भी है जीवन चलाते, और उसी पैसे से विभिन्न तरीके से विभिन्न इंस्टीट्यूशन को मदद भी करते थे। महिला शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी इनकी एक खास भूमिका थी, ठीक है।
मान लीजिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है उस समय की जो शिक्षा दीक्षा से रिलेटेड है, ज्ञान बांटता है, तो उनको उस उन इंस्टीट्यूशन को ये आर्थिक रूप से मदद भी देते थे, मतलब हेल्प करते थे। तो इस तरीके का लाइफ इन्होंने जिया। लास्ट टाइम में इनको शायद कॉलेरा हुआ था, कॉलेरा रोग की वजह से इनकी मौत हुई। तो मौत जब इनकी हुई थी, ये भी एक इंटरेस्टिंग घटना है कि ये तो ईसाई थे, तो इनका जो विफन जहाँ किया जाएगा वो ईसाई कब्रिस्तान में ईसाई, लेकिन वहाँ यहाँ के जो पादरी लोग थे इन्होंने अलाउ नहीं किया इनको उनके बॉडी को दफन करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि ये डेविड हेयर जो था वो नास्तिक है, वो हमारे धर्म को मानते ही नहीं है, तो इसलिए उनको दफन भी वहाँ नहीं होने दिया गया। तो लास्ट में इनका जो स्कूल इन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया था, उसी हिंदू कॉलेज के कंपाउंड में इनकी समाधि दी गई, इनको दफनाया गया। तो सोच लीजिए कि ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं जो हमारे देश के थे नहीं, हमसे कोई उनका संबंध नहीं था, आए किसी और मकसद से, लेकिन ये हो के रह गए भारतीय या भारतीयों के होकर रह गए ये। तो हम लोग अपने महापुरुषों के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं या उनको रिस्पेक्ट देते हैं विभिन्न तरीके से, लेकिन डेविड हेयर या इनके जैसे और भी आगे मैं बताऊंगा इसी चैप्टर में है कि और भी ऐसे कुछ इंग्लिश मैन लोग थे, यूरोपियन थे, जो भारतीय न होते हुए भी, आपका दूसरे कल्चर के होते हुए भी भारतवासियों के लिए बहुत कुछ करके गए। उनकी भी पूजा लेकिन पैरेलल होनी चाहिए हमारे महापुरुषों की तरह, जिस तरीके से हम राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर वगैरह को पूजते हैं, उसी तरीके से इनकी भी पूजा होनी चाहिए। इनके बारे में भी हमें जानना चाहिए, इनके जो ख्याति है उसको हमें फैलाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमने उनसे बहुत कुछ पाया, तो इनका भी नाम सुनहरे अक्षरों में हमारे दिल दिमाग में, किताब में तो रखा ही गया, इसीलिए सिलेबस में डाला गया है, हमारे दिल दिमाग में भी इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा रहे। तो उसमें से डेविड हेयर भी वैसे ही एक महापुरुष थे। ठीक है, अब प्रश्न ये आएगा आपका माध्यमिक में, आएगा मैं नहीं कहूँगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ये बनेगा माध्यमिक में कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में, भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में डेविड हेयर की क्या भूमिका थी या डेविड हेयर का क्या अवदान था। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में यही दिया गया कि वेस्टर्न एजुकेशन के स्प्रेड में डेविड हेयर का रोल, उनकी बाकी जीवनी भी नहीं और भी दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, तो उसका आंसर जो है इस वीडियो के में आपको PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और किस तरीके से आंसर लिखा जाए, आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स का, 8 मार्क्स में डेविड हेयर का अवदान नहीं आएगा इतना मैं श्योर हूँ, लेकिन 4 मार्क्स में भी आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें से 2 मार्क्स बनाया जा सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा तो MCQ इसमें से आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि जो नोट्स मैंने बनाया है उसमें आपका इनका परिचय दे दिया थोड़ा सा, और परिचय देने के बाद क्वेश्चन और आंसर को मैंने लिख दिया है, और इतना ईजी शब्दों में मैंने लिखा है कि आप फट से, बार बार मैं कहता हूँ कि मेरे जो नोट्स हैं आप पढ़ेंगे और आपको याद होगा और टू दी पॉइंट होगा। इस किताब गाइड वगैरह जो भी आपके पास है आप मैच करके देख लीजिएगा, उससे बहुत बेहतर होगा। मतलब आप एक बार मेरे नोट्स को पढ़िएगा तो आपको दूसरा और किताब पढ़ने की इच्छा नहीं करेगी और ज़रूरत भी नहीं है, आपको हिस्ट्री का पूरा आपको मिल जाएगा सारा नोट्स। ठीक है, तो उसमें देख लीजिएगा कि पहले के वीडियोज़ में कि 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसका आंसर कैसे लिखा जाता है माध्यमिक में, मैंने उनके बारे में बताया हुआ है, तो मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो और जो आंसर है कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार में डेविड हेयर की क्या भूमिका थी, तो बस वही करना होगा, उन्होंने कौन कौन किस किस कॉलेज की स्थापना की, एक स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की थी, एक स्कूल सोसाइटी की स्थापना की थी उन्होंने। ठीक है, एक पकड़ पटल डांगा एकेडमी एक स्कूल था, फिर का ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे स्कूल्स और इतना बड़ा एक आज जो विश्वविद्यालय खड़ा है प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय जिसको हिंदू कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था, तो ये सब उनके कारनामे थे। अकेले वो नहीं थे बहुत सारे चीज़ों में, उनके साथ बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन यही इनिशिएटिव लिए थे, यही जैसे हिंदू कॉलेज के बारे में ये मतभेद है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना अकेले डेविड हेयर ने नहीं की थी या डेविड हेयर का इसमें खास रोल नहीं था, मतभेद है, लेकिन देखा जाएगा कि डेविड हेयर ही ने ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इस कॉलेज की स्थापना में। तो जो भी हो, अकेले भी बहुत कुछ किए, कुछ लोगों को मिलजुल साथ में लेकर भी इन्होंने बहुत कुछ किया, तो सारा कुछ आपको ये क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपका हिस्ट्री का इसी सब्जेक्ट क्लास 10 के ही
हिस्ट्री के चैप्टर टू के जो आगे के टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ होंगे। और जो लोग क्लास टेन में है वेस्ट बंगाल बोर्ड में, आप लोगों का हिंदी व्याकरण का सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। हिंदी में केवल व्याकरण ही प्रॉब्लम करता है, तो संधि समास वाच वाक्य परिवर्तन वगैरह जो भी आपके सिलेबस में क्लास टेन का, उनका वो वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। जो एचएस में है, क्लास ट्वेल्व में है, इलेवन वाले भी जो है हिंदी व्याकरण के जो भी आप लोगों के टॉपिक हैं सिलेबस में, उसका वीडियो अपलोड है, तो आप लोग उस वीडियोज़ को देख सकते हैं और आपको फ़ायदा पहुँचेगा, आपको क्लियर समझ में भी आ जाएगा। एक बार आप देखिएगा तो आप मुझे थैंक्स ज़रूर कहेंगे। तो देखिए उस वीडियो को। और क्लास ट्वेल्व में जो है वो आप लोग पॉलिटिकल साइंस जो आर्ट्स के हैं, पॉलिटिकल साइंस का भी सारे चैप्टर्स का वीडियो अपलोड है, उनको देख लीजिए, तो आपका बहुत सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। और आगे जाकर मैं सजेशन भी दूंगा आप लोगों को क्लास जो है माध्यमिक का, एचएस का, इलेवन का, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल में, आपका क्लास टेन इलेवन ट्वेल्व और आगे जाकर जो हायर स्टडी करेंगे, मतलब आप अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में हैं, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो उसमें भी आपको मेरी तरफ से हेल्प मिलता रहेगा। जो भी हेल्प चाहिए मैं करता रहूँगा, सजेशन चाहिए सजेशन ले लीजिए, नोट्स चाहिए नोट्स दे दूँगा, ठीक है। तो बने रहिए चैनल में, और अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आप जिस भी क्लास के हैं उस क्लास के हिसाब से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसको देख पाएँ। आप भी परेशान नहीं होंगे, बहुत तरह के वीडियो अपलोड होते हैं हमारे चैनल की तरफ से, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, नोटिफिकेशन आता रहेगा। और अगर चैनल में आप नए हैं तो आप तो सब्सक्राइब करेंगे ही, साथ ही साथ और भी जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी आप थोड़ा शेयर कीजिए मेरे चैनल को। तो ये उम्मीद करते हुए आज के लिए बस इतना है।